Warmly welcome to Stomach Education CBSE NCERT series. Hi, मैं दर्शन आपका physics teacher, आपका physics mentor, और आज हम देखने वाले हैं कि ये exchange of heat कैसे होती है, मतलब कि class 7th का heat वाला unit. तो चलो आपको मैं सीधा लेके चलता हूँ इसके contents की तरफ. तो सबसे पहले हम देखने वाले introduction about what about heat. फिर देखेंगे measuring temperature की, इसका जो temperature होता है ये कैसे measure किया जाता है. फिर देखेंगे type of thermometers, transfer of heat, sea breeze and land breeze and kind of clocks. ये देखेंगे. तो चलो पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हीट का. अब मेजरली अपन जब हीट को मेजर करते तो अपन ऐसा सोचते हैं कि हीट मतलब गर्म हुई, तो ऐसा बेसिकली होता नहीं है. हीट मतलब क्या होता है, उसका टेम्परेचर होता है, उसके अंदर का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो होती है हीट. और एक्चुअली हीट को हम एनर्जी में भी देखते हैं और इसको ही थर्मली एनर्जी भी बोलते हैं, थर्मल एनर्जी भी इसको बोलते हैं, बिकॉज इट इज अ वाइब्रेशन पार्टिकल. ये वाइब्रेशन की वजह से पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से क्या रिलीज करते हैं, एक एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट. अब अगर देखो ठंडी के दिनों में आपको बहुत ठंड लग रही है और आप आपके हाथ ऐसे रॉक करते हो तो आपको क्या लगना शुरू हो जाता है, गर्माहट लगना शुरू हो जाता है. तो ये क्यों हुआ, ये आपने क्या किया, फ्रिक्शन किया दो पार्टिकल का, अपने हाथों के जो पार्टिकल का फ्रिक्शन किया और वो फ्रिक्शन के वजह से क्या प्रोड्यूस हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई. तो हीट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब ये दो टाइप की एनर्जी में होती है, जैसे कि हॉट बॉडीज एंड कोल्ड बॉडीज. दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं, एक तो हॉट होंगे एक तो कोल्ड होंगे, है ना. अगर मैं आपके हाथ में आइसक्रीम का कप दे दूं और आपको बोलूं यार इसका टेम्परेचर बताओ, तुम क्या हाथ लगा के सेंस करोगे सर ये तो बहुत ठंडी है, है ना. अगर मैं उसी जगह पे आपके हाथों में चाय का गर्म ग्लास दे दूं तो आप क्या करोगे, उसको मेजर करोगे हाथों से और बोलेंगे सर गर्म. और इससे और दो भी होती है, जो एकदम गर्म होती है और एकदम ठंडी होती है, जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन, इसका -273 केल्विन टेम्परेचर होता है, ओके. और बहुत गर्म मतलब कि कौन सा, ओवन के अंदर खौलता हुआ तेल बहुत ज्यादा गर्म होता है, अगर वो तेल में उंगली डाल दो तो उंगली फ्राई हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है. तो ऐसे टाइप के ये क्या होते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं और इनको अगर आप मेजरली सेंस करते हो तो टच से इसको सेंस किया जाता है, टच से उसको सेंस करते हो. अभी टच से सेंस करना कितने योग्य है, इतनी अच्छी तरह से काम करता है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम कोई भी चीज को टच से सेंस कर सके. जैसे अगर आप सोचो कि मैं 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में हाथ डाल के बताऊंगा कि यार मेरा ये हाथ डाला मैंने और मैंने बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, भाई मैं हाथ निकालूंगा ना तो बस मेरा हाथ पूरा लाल लाल हो जाएगा, जल जाएगा हाथ. तो ये सेंसरेबल मतलब कि टच से सेंस करके जो भी हम टेम्परेचर नापते हैं तोलते हैं वो क्या है, वो प्रॉपरली प्रॉपर वे नहीं है. अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो आइसक्रीम, आप क्या बोलोगे सर ये तो ठंडी होती है. अगर एक कप चाय में एक स्पून हो तो वो क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है. देखेंगे हम इस यूनिट में आगे. फ्रूट जूस तो आपको ठंडा ही पसंद होगा और जब आपकी मम्मी खाना बनाती है तब वो जो फ्राइंग पैन पे जब रोटियां डालती है तो फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है वो भी क्या होता है, वो भी गर्म हो जाता है. अब ये सारी चीजें अपन ने कैसे देखी, ये टच से देखी है या फिर आंखों से देखी है. बट इसका और एक भी ये है कि इसको अपन मेजर कैसे करेंगे. अब बेसिकली इसको मेजर करने के लिए थर्मामीटर्स का यूज किया जाता है. किसका, थर्मामीटर्स. अब थर्मामीटर्स का मीनिंग क्या होता है, थर्मा मतलब की एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल मतलब हीट होती है. तो थर्मामीटर मतलब हीट को मेजर करने वाला एक सेंसर, एक क्या सेंसर, उसको क्या बोलेंगे, थर्मामीटर बोलेंगे, ठीक है. अब ये थर्मामीटर अलग अलग टाइप के होते हैं जो कि अलग अलग डिग्री में अपने को क्या देते हैं, अलग अलग स्केल में अपने को क्या देते हैं, टेम्परेचर नाप के देते हैं. अब जैसे कि अगर फिजिक्स के इसमें देखो तो तीन मेजरली यूनिट होते हैं, कौन सा होता है, एक CGS, एक FPS और एक होता है MKS. ये तीन सिस्टम्स होती है, ओके. अब ये जो तीन सिस्टम्स होती है, ये तीन सिस्टम टेम्परेचर में भी दिखाना पड़ता है अपने को, टेम्परेचर भी तीन सिस्टम के अराउंड दिखाते हैं. तो बेसिकली सबसे पहला होता है तो डिग्री सेल्सियस, ओके. अब ये डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आप देखो कि आपका जो सराउंडिंग का तापमान होता है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में गिना जाता है. जैसे कि आज हमारे घर का टेम्परेचर था 24 डिग्री सेल्सियस, आज हमारे गाँव का टेम्परेचर था 48 डिग्री सेल्सियस, सन का जो टेम्परेचर होता है वो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है. अब ऐसे बहुत सारे डिग्री सेल्सियस में गिना जाता है, किसको, जो बड़े पैमाने पे हम जो गिनते हैं उसको हम डिग्री सेल्सियस में गिनते हैं, ओके. अब इसके नीचे आता है फ़ारेनहाइट, क्या आता है, फ़ारेनहाइट आता है. अब ये जो फ़ारेनहाइट मतलब कि डिग्री एफ होता है, ओके, फ़ारेनहाइट. अब ये जो फ़ारेनहाइट होता है ये बेसिकली बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसको यूज करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. अब ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में से मतलब कि मुझे तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फ़ारेनहाइट है ये बहुत पर्सनलाइज थिंग है मेजर करने की,
टेम्परेचर को, क्योंकि यार देखो इसमें कैसा बोला जाता है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल होता है तो फेरेनहाइट कितने पे होगा, 34 डिग्री फेरेनहाइट पे हो जाएगा ये बॉइल। अब ये होने के बाद में इसका सबसे बड़ा भाई आता है केल्विन। अब मेजरली अपन जो केल्विन टेम्परेचर को जो नापते हैं वो अपन वर्ल्ड वाइड में डिग्री सेल्सियस फेरेनहाइट ऐसा नहीं मापते ना, तो अपन कैसे करेंगे केल्विन। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में केल्विन का यूज किया जाता है। मतलब कि अगर मैं केल्विन लिखू के, तो ये क्या होगा, ये टेम्परेचर का यूनिट हो जाएगा केल्विन। अब अगर आप अर्थ पे हो तो आप फेरेनहाइट डिग्री सेल्सियस ये नाप सकते हो, बट आउट ऑफ अर्थ मतलब कि स्पेस में आपको केल्विन ही लेना पड़ेगा। अब वैसे अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बोला जाए और 1 डिग्री सेल्सियस बोलने के बाद में अगर आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़े तो वो कैसे करोगे, आएगा ना कभी तो एग्जाम्पल आएगा, तो वो कैसे करोगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन। कितना, 273 केल्विन, ये उसका मेजर है। अब वैसे ही ये जो मेजरली यूज किया जाता है थर्मामीटर, तो वो बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है, जैसे क्लिनिक्स में आपकी कभी ना कभी तबियत खराब होगी तो आप हॉस्पिटल गए होंगे, या तो फिर घर का कोई किसी की भी तबियत खराब होगी तो आप हॉस्पिटल गए होंगे उनके साथ में, तो डॉक्टर क्या करता है एक पेन जैसी दिखने वाली चीज को देता है और बोलता है एक तो मुंह में पकड़ो एक तो हाथों में पकड़ो। क्यों, क्योंकि वो उसका टेम्परेचर जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है, टेम्परेचर। तो वो भी क्या होता है, वो थर्मामीटर होते हैं। अब क्लिनिक हो गया, लेबोरेटरी में भी थर्मामीटर्स होते हैं, उसके बाद में आप स्पेस शटल देखेंगे उसमें भी थर्मामीटर यूज किए जाते हैं, कुकिंग में भी थर्मामीटर यूज किए जाते हैं, ओवन जो होते हैं ओवन जिसमें खाना गर्म किया जाता है उसमें भी थर्मामीटर यूज किए जाते हैं। तो ये बेसिकली टाइप है मेजरिंग थर्मामीटर, क्या मेजरिंग टेम्परेचर किसके बदौलत, थर्मामीटर के बदौलत, और कौन से सेंसर्स के बदौलत, एक तो डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री एफ मतलब फेरेनहाइट, दूसरा होता है केल्विन। अब इसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री एफ मतलब फेरेनहाइट जो है वो आप वर्ड में यूज कर सकते हो, मतलब ऑन द अर्थ सरफेस यूज कर सकते हो, बट आपको अगर ऐसा यूनिट अगर लिखना हो तो आपको इसका केल्विन लिखना पड़ेगा। क्या, केल्विन। और 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है। अब ये होने के बाद में अपने को एग्जाम्पल इसका तो मांगते ही है भाई, तो कैसे एग्जाम्पल होगा, देखो मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। अब तुम्हें क्या करना है, अपने गैस के ऊपर क्या करना है, एक कटोरा लेना है, उसके अंदर क्या करना है, पानी लेना है और उसको हल्के से गर्म करना शुरू करना है और 3 अलग अलग स्केल से उसको मेजर करना है। अब तुम बोलोगे कि सर हमने डिग्री फेरेनहाइट भी कर लिया, हमने मतलब कि जो बॉडी टेम्परेचर का थर्मामीटर था वो उसमें डाल के उसको गिन लिया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में तुम बोलोगे कि सर हमने डिग्री सेल्सियस में भी गिन लिया, ठीक है कोई बात नहीं, बट सर व्हाट अबाउट केल्विन, इसके लिए तो थर्मामीटर है नहीं, तो सिंपली क्या करना है उसको डिग्री सेल्सियस में जो भी आएगा उसको 273 273 ऐड करना है, मल्टीप्लाई कर देना उतने टाइम में, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हें एक्टिविटी करके देखनी है ये क्या है होमवर्क, बट हाँ पेरेंट्स के निगरानी में ही करना क्योंकि गैस के पास में हो भाई, अगर हाथ मुंह पे गिर गया ना तो जल जाएगा। ये क्या तुम्हारी एक्टिविटी है जो कि तुम्हें ऐसा होमवर्क करनी है और मुझे बताना है, कमेंट आउट नीचे करना है कि कौन सा डिग्री सेल्सियस मतलब कि कितने, 1 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना कितना था, मतलब कि फिर फेरनाइट पे कितना था, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर बॉयल होगा तो फेरनाइट कितने पे वाटर बॉयल होना शुरू हुआ, कितने केल्विन पे वाटर बॉयल होना शुरू किया, ये मुझे नीचे कमेंट में डाल देना आप, मैं चेक करूंगा। ओके तो देखो यार इतना सारा कंसेप्ट समझने के बाद में इसको अप्लाई तो जरूर करना है, और अप्लाई क्या करोगे, टेस्ट पे ही अप्लाई करोगे, जब आप न्यूमेरिकल या क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको इसको अप्लाई करना है। तो ये टेस्ट देने के लिए सर हमारे पास में फ्री प्लेटफॉर्म नहीं है, तो है यार स्टामा की जो क्या ऐप आपके लिए गया है फ्री टेस्ट। ओके आप ये ऐप को डाउनलोड करके उस पर फ्री टेस्ट एक्सेस कर सकते हो, और उसके साथ साथ ये वीडियो तुम यूट्यूब पे देख रहे हो, ऐड आती है बीच में सताती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होता है, तो यार ये ऐप के ऊपर आपको मोर पर्सनलाइजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा हमारे वीडियो के साथ। उसके साथ में यहाँ पे लाइव कोर्सेज भी चलते हैं और टेस्ट के जो रिजल्ट आएंगे उसका एनालिसिस करके आपको आपका कंसेप्ट कितना समझा है वो भी समझेगा। तो क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, आपको सर्च करना है स्टामा के जो, आपको सर्च करना है और डाउनलोड करना है। प्रोसीजर हार्ड लग रही है, कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ क्लिक करो और डाउनलोड करो। तो मैं बढ़ता हूँ आगे और देखता हूँ आगे की टाइप्स ऑफ थर्मामीटर क्या क्या है। अब दो टाइप के तो बेसिकली आपके जो सिलेबस है आपको दो टाइप के थर्मामीटर दिए हुए हैं, वैसे तो 4 टाइप के थर्मामीटर है वो भी बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा होता है लेबोरेटरिकल थर्मामीटर। ओके अब ये दो थर्मामीटर जो होते हैं ये आप मेजरली आपने देखे भी होंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरिकल थर्मामीटर। अब जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर्स यूज करते हैं,
इसके लिए बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और वही जो हमारा लेबोरेटरी का थर्मामीटर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, बड़े स्केल पे होता है, क्योंकि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग मटेरियल का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना होता है। अब वो तो तुम बॉडी टेम्परेचर जिससे नापते हो वो थर्मामीटर से कर नहीं सकते, कि तुम वो रखा और वो फूट गया, वो खराब हो जाएगा। तो इसी के लिए ये दो टाइप के होते हैं। अब इसकी जल्दी से देख लेते हैं कि इससे एग्जाम्पल कैसे होंगे। तो अगर आप देखो ये दो टाइप के जो थर्मामीटर होते हैं, बेसिकली ये पुराने जमाने में आपके जब दादाजी या मम्मी पापा थे उस टाइम पे ये क्लिनिकल थर्मामीटर हुआ करता था, बट अभी इलेक्ट्रॉनिकल थर्मामीटर्स भी आ चुके हैं, क्योंकि ये होते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिकल थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ यूज किया जाता है, ये किया जाता है लेबोरेटरी सॉरी क्लिनिक्स के अंदर यूज। और ये जो बड़ा होता है, ये जो थर्मामीटर होता है जो बड़े साइज का होता है, वो कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है लेबोरेटरी में यूज। अब इनके सर ये थर्मामीटर के जो पार्ट्स होते हैं वो भी गिनवा दो। बिल्कुल। अब सबसे पहले तो ये व्हाइटिश पार्ट देख रहे हो, ये होता है मर्क्यूरी। अब सर थर्मामीटर में मर्क्यूरी ही क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि मर्क्यूरी ही एक ऐसा एलिमेंट है कि जो टेम्परेचर के साथ में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, रिएक्ट करना शुरू कर देता है, इसीलिए वी आर यूजिंग मर्क्यूरी। अब जैसे जैसे तुम मर्क्यूरी को गर्म करना शुरू करोगे तो वो क्या करेगा, वो बढ़ता बढ़ता मोशन दिखाना शुरू करेगा, बढ़ना शुरू करेगा। तो ये पहला होता है मर्क्यूरी। उसके बाद में ये जो होता है, ये होता है कॉन्स्ट्रक्शन जो ट्यूब होती है वो होती है। फिर होता है मर्क्यूरी कॉलम जिसमें मर्क्यूरी आगे बढ़ेगी। फिर होती है कैपिलरी ट्यूब जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि मर्क्यूरी कहाँ पर जाके रुकी है। फिर उसके ऊपर ही भी होंगी स्केल। अब वो जो स्केल होंगी वो टेम्परेचर नापने के लिए होंगी। ओके। और ये होगा आपका एक्सपांशन चेम्बर, और जो इसकी कवरिंग होगी वो होगी ग्लास ट्यूब से। अब एक्सपांशन चेम्बर इसलिए होता है क्योंकि मर्क्यूरी बाहर ना निकले, इसके लिए क्या होता है एक्सपांशन चेम्बर होता है। ये हो गए पार्ट्स ऑफ थर्मामीटर। और आगे देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ हीट क्यों बात करते टाइम पे मेरी हीट इतनी जल्दी ट्रांसफर होगी सराउंडिंग के साथ में, उसने चाय का टेम्परेचर नॉर्मल कर दिया, तो ये ऐसा क्यों हुआ वो हम देखेंगे। द मटेरियल आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर अलाउड टू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। अब बेसिकली क्या होता है कि हमेशा ये प्रकृति का नियम है क्या, कि हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट ट्रांसफर होगी ही होगी। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों सिस्टम्स जो होती है एक मेक को बैलेंस करने के लिए होती है। वैसे भी नेचर का रूल है वो सबको बैलेंस रखता है। अब ये सबको बैलेंस रखना मतलब एनर्जी को भी वो बैलेंस रखेगा। अब अगर समझो कि इस साइड से ये इस साइड से हीट ज्यादा है और हीट साइड से हीट कम है, तो ये क्या करेगा, इधर इसको हीट पार्टिकल फॉर्म के थ्रू ट्रांसफर करेगा और ये क्या हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी। और इक्वल होने के बाद में इनमें ट्रांसफर ऑफ हीट बढ़ना बंद हो जाएगी। अब ये कैसे ट्रांसफर कैसे करेंगे, अब बेसिकली अगर मैं ये मॉलिक्यूल देखूं, ये मॉलिक्यूल हीट ये मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करेगा, ये मॉलिक्यूल हीट ये मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करेगा, ये मॉलिक्यूल हीट ये मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करेगा। इस तरह ये क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर करेंगे खुद के अंदर से दूसरे के अंदर, किसको, इक्विलिब्रियम पोजिशन आने के लिए। वर्ड याद रखना, इक्विलिब्रियम पोजिशन आने के लिए। अब इनके बीच में होते तीन कंडीशन। सबसे पहला तो होता है रेडिएशन, फिर होता है कंडक्शन, फिर होता है कन्वेक्शन। अब ये पार्ट तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस के अंदर। अब ये इनका बेसिक रूल क्या होता है, इसको अपन क्या देखेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे जो कि यहाँ पर है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया, और पानी को गर्म होते हुए देखा मैंने तीनों प्रोसेस एट अ टाइम हो रही है, तीनों प्रोसेस एट अ टाइम हो रही है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने रेडिएशन देना शुरू किया, मतलब कि पानी को गर्म करने के, उसको फ्लेम पे रखा। अब फ्लेम पे रखने के बाद में वहां पे क्या हो रहा है, आग जो हो रही है वो उसको क्या कर रही है, हीट हीट प्रोवाइड कर रही है। मतलब कि अगर ये सरफेस है, ये वो पतीले का सरफेस है, और यहाँ से क्या हो रही है, हीट प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। ये हीट प्रोवाइड करके क्या करेंगी, ये जो पतीला है इसको गर्म करना शुरू करेंगी। ये देखो यहाँ से गर्म करना शुरू कर रही है। अब ये पतीले के ऊपर ही क्या है, वाटर है, वाटर के ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। अब वाटर के ड्रॉपलेट है, अब मैंने बताया था कि मटेरियल क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर करेगा। जो भी पार्टिकल होते हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करते हैं। अब ये क्या करेगा, पानी तो ठंडा था, ओके, पानी तो ठंडा था, इसको गर्म करना है, तो ये पार्टिकल अपने आप में इसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। अब देखो, अब यहाँ पे नीचे के जो बबल्स थे, नीचे के जो पार्टिकल्स थे ये वाले, ये क्या होने शुरू हो गए, ये गर्म होना शुरू हो गए। और हमेशा याद रखना, ठंडे पानी की डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा, वो कम वो सॉरी वो ज्यादा होती है गर्म पानी से, ठीक है। गर्म पानी की डेंसिटी हमेशा कम होती है, तो ये डेंसिटी का फिनोमिनन लग गया यहाँ पे। तो अब ये क्या होगा, जो गर्म हो रहे पानी, गर्म हुए जो ड्रॉपलेट्स है पानी के, वो कहाँ जाएंगे, वो ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो
ऊपर जाएंगे, और जो नीचे का ठंडा, जो ऊपर का जो ठंडे पार्टिकल थे पानी के, वो कहाँ जाएंगे, वो नीचे जाएंगे और फिर वो गर्म होंगे। तो इस साइकिल को बोलते हैं कन्वेक्शन। मतलब कि क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक मेक को धक्का दे रहे हैं कि भाई चल तू गर्म हो गया, तू अभी ऊपर जा और जो बाकी के ठंडे हैं उनको नीचे भेज। तो ये क्या हो गया, ये कन्वेक्शन हो गया। और कंडक्शन बोले तो क्या हो गया, कंडक्शन बोले तो हो गया ये मटेरियल टू वाटर। देखो मटेरियल टू वाटर ही ट्रांसफर हो रही है, देखो यहाँ पे भी मटेरियल टू वाटर ही ट्रांसफर हो रही है। तो ये क्या हो गया, कंडक्शन हो गया, किसका, मटेरियल का कंडक्शन हो गया। तो ये तीन प्रोसेस होती है, बेसिक प्रोसेस है, कौन सी, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। रेडिएशन क्या करते हैं, हीट को प्रोवाइड करते हैं, कन्वेक्शन क्या करते हैं, पार्टिकल को मतलब ऐसे घुमाती है, उसको गर्म करती रहती है, और कंडक्शन क्या होती है, हीट को फ्लो कराता है। ये तीन प्रोसेस हो गई बेसिक सी। अब इसमें अगर मैं क्यूरियस पॉइंट भी जा दूं, यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा, क्यों ब्लैंक छोड़ा है, क्योंकि स्पेस के लिए। अब स्पेस क्या होता है, स्पेस स्पेस मतलब हमारा ब्रह्मांड, ठीक है। अब स्पेस में तुम चले जाओ, स्पेस में जाने के बाद में अगर तुम अर्थ के एटमोस्फेयर के बाहर चले जाओगे, तो वहां पे टेम्परेचर लो है, बहुत कम है। और जैसे जैसे तुम सन के पास में जाते जाओगे, अगर मैं यहाँ कंसिडर करूँ कि ये मेरा सन है, ठीक है, ये सन के पास में जाते जाओगे वैसे वैसा टेम्परेचर बढ़ता हुआ जाएगा। बट अगर तुम सन से दूर जाओगे, मतलब कि ऐसा समझ लो कि तुम स्पेस में गुम हो चुके हो, तो तुम्हारी बॉडी जमना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर माइनस में, मतलब इतना कम है कि तुम्हारी बॉडी सेकंड में क्या हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी, इतना कम है वहां पर। मतलब इसलिए तो वहां पर केल्विन में टेम्परेचर गिना जाता है। और जैसे जैसे तुम सन के पास में जाओगे, तो वहां पर क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो सर आपने तो बोला था जैसे सराउंडिंग ये करती है, सराउंडिंग क्या करती है, टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम, दो चीजों को इक्विलिब्रियम में आती है। तो हमारा सन तो इतना छोटा है सर, और स्पेस इतना बड़ा है, तो स्पेस ने सन को ठंडा क्यों नहीं किया, तो उसका भी जवाब दे दो, क्योंकि सन के ऊपर कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन हीलियम की रिएक्शन होती रहती है। और ये तुम जब 9th या 10th में जाओगे, तब तुम्हें अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो ये कंटिन्यूअस रिएक्शन की वजह से कंटिन्यूअसली क्या करता है, रेडिएशन प्रोवाइड करता है, और रेडिएशन हमेशा हीट के फॉर्म में होती है, इसलिए वो क्या होता है, हमेशा गर्म होता है। ऐसा समझ लो कि हमारा जो सन है वो पिछले 2000 करोड़, मतलब 2000 सालों से, 2000 करोड़ सालों से क्या होता है, गर्म होता रह रहे हैं। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, ये टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकता। और यही मेरा क्यूरियस पॉइंट था इस यूनिट का। अब इसके बाद में ये देखेंगे कि हम सी ब्रेज और लैंड ब्रेज क्या होते हैं। अब बेसिकली सी ब्रेज और लैंड ब्रेज जो होते हैं, ये हमें जब अनुभव करना होता है, तो हम एक तो नदी के किनारे चले जाते हैं, या तो समंदर के किनारे चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो मैंने पहले ही बोला था, जो भी हॉट चीज होती है, जो भी हॉट चीज होती है, उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो कम होगी, और जो ठंडी होगी, कोल्ड होगी, उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात ध्यान में थी मेरी। आप देखो क्या होता है, हॉटर रिप्लेस कोल्ड एयर एंड कंप्लीट द साइकिल। अब क्या हो रहा है, देखो जब भी धूप तपती है ना, जब भी धूप तपती है डे टाइम पे, तब वो क्या करती है, वो इसके लैंड के ऊपर के जो भी एयर पार्टिकल होते हैं उनको गर्म करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब करेगी नहीं, है ना, ये एब्जॉर्ब करेगी नहीं, तो ये क्या करते हैं, इसको गर्म करना शुरू कर देते हैं। अब गर्म करना शुरू कर रहे हैं, मतलब कि अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, उसने हीट इस सन से ले ली, ओके, वो गर्म हो गया, और गर्म होने के साथ साथ में उसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब वो डेंसिटी कम होने की वजह से वो कल क्या चल जाएगा, वो ऊपर फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही वो यहाँ से ऐसा ऊपर गया, इस डायरेक्शन में ऊपर में गया, तो यहाँ पे क्या बन गए, यहाँ पे तो फ्री स्पेस बनी ना, ये देखो ये फ्री स्पेस बन गई यहाँ पे। अब ये फ्री स्पेस बनी, और वहां पे बाजू में क्या है, वहां पर बाजू में सी है, और सी का जो सरफेस है वो वाटर से ढका होने के वजह से, जो ऊपर में उसके पार्टिकल थे वो क्या थे, वो ठंडे थे। अब ठंडे पार्टिकल की हमेशा डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो अगर ये पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, तो इन पार्टिकल की जो ये खाली स्पेस भरने के लिए तो कोई ना कोई एयर पार्टिकल चाहिए होगा ना, तो वो एयर पार्टिकल कहाँ से आएगा, वो समंदर के ऊपर के जो एयर पार्टिकल वो आ जाएंगे। उन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे स्पेस ले ली। अब सोचो कि वो पार्टिकल अगर यहाँ पर आए, तो यहाँ पर भी तो खाली स्पेस हो गई होंगी ना। अब ये खाली स्पेस कौन भरेगा, ये खाली स्पेस भरेंगे वो जो गर्म हुए हुए पार्टिकल है वो, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो क्या करेंगे, फ्लोट होना ज्यादा शुरू कर देंगे। अब ये पार्टिकल चले गए यहाँ पे इस तरह, और ये पार्टिकल आ गए यहाँ पे, और ये पार्टिकल गर्म होंगे, फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से इधर आएंगे, ये पार्टिकल जो थे गर्म हुए हुए वो वापस ठंडे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर किसका सरफेस है, सी का सरफेस है, पानी का सरफेस है, तो वो रिफ्लेक्शन जो क्या हो गए, वो ठंडे हो जाएंगे। अब ये ठंडे होने की वजह से फिर वापस आए, तो ये कंप्लीट जो साइकिल चलती है, इसको बोलते हैं सी ब्रेज।
अब सी ब्रिज इसका एग्जैक्ट उल्टा लैंड ब्रिज। जब रात का टाइम होता है, रात के टाइम पे, तो ये जो यहाँ के पार्टिकल, ये तो गर्म ही बच गए ना, ये जो पार्टिकल है ये तो गर्म ही बच गए, बट ठंडी होने के साथ साथ में, मतलब कि रात होने के साथ साथ में, जो जो जमीन पे पार्टिकल थे वो क्या हो गए, वो ठंडे हो गए। अब फिर से वही फिनोमिनॉन, गर्म पार्टिकल ऊपर जाएंगे और जो ठंडे पार्टिकल है वो नीचे आएंगे। क्यों? क्योंकि डेंसिटी दोनों की कम ज्यादा है इसके वजह से। तो इसका एग्जैक्टली उल्टा क्या होता है, सी ब्रिज का एग्जैक्टली उल्टा अगर पकड़ो, मतलब नाइट टाइम में अगर पकड़ो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लैंड ब्रिज। मतलब कि ठंडी हवा, जो जमीन के ऊपर की ठंडी हवा थी, वो किधर चल जाएगी, वो सी की तरफ चल जाएगी, और सी के ऊपर की जो गर्म हवाएं थी वो कहाँ चल जाएगी, वो हमारे बीच पे चल जाएगी, मतलब कि लैंड पे चल जाएगी। एट नाइट इट एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस लाइक अ सी ब्रिज, जैसा कि मैंने बोला तुमको। अब ये होने के बाद में यार अपने को देखना तो जरूरी बनता है काइंड ऑफ क्लोथ्स कि क्यों समर में हम कॉटन के कपड़े यूज करते हैं और क्यों हम जबकि ठंडी होती है तब तो वूलन के कपड़े यूज करते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा ट्रांसफर ऑफ हीट में मैंने एक बोला था कंडक्शन, कंडक्शन बोला था। अब ये जो कंडक्शन होता है ये क्या होता है, ये बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं, ये एक के साथ में लेके चलता है, वाहक जिसको बोलेंगे। क्या वाहक? वाहक मतलब क्या, अगर मैं ये पार्टिकल कंसिडर करूं और ये पार्टिकल को ये पार्टिकल तक के जाना हीट प्रोवाइड करना है, जिसके बीच में कोई ना कोई मीडियम तो लगेगा, तो ये जो मीडियम होगा वो क्या होगा, कंडक्टर का मीडियम होगा। जैसे कि देखो अब इसको इसको हीट प्रोवाइड करनी थी, इस तरह इसने इसको हीट प्रोवाइड की, इसने इसको हीट प्रोवाइड की। अब कंसिडर करो कि ये किसके अंदर है, ये आयरन रॉड के अंदर है। ओके ये किसके अंदर है, आयरन रॉड के अंदर। तो आयरन क्या हो गया, गुड कंडक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया। अब ऐसे भी बस में जो कंडक्टर होता है, आप जो भी स्कूल बस में गए होंगे या कभी नानी के घर पे गए होंगे बस में वगैरह, तो उसमें कंडक्टर जरूर देगा। कंडक्टर क्या करता है, टिकट फाड़ते हैं, टिकट फाड़ते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई तू ठीक है, तू अब बैठ, तू आगे चल, तू जा सकता है, तू सफर कर सकता है। तो वैसा ही वो वही रोल यहाँ पे कंडक्शन करता है, कंडक्टर करता है एक्चुअली। अब ये क्या हो गया, अगर मैं आपको और एक एग्जाम्पल दू कि देखो अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक आयरन रॉड ली, उसको यहाँ पे हीट करना शुरू किया और यहाँ पे किसका, पनीर का या चीज का टुकड़ा रख दिया, तो वो चीज का टुकड़ा थोड़ी देर बाद पिघलना शुरू हो जाएगा, बल्कि हीट तो मैंने यहाँ पे की, तो ये क्या हुआ, ये कंडक्शन की वजह से हुआ। तो हमारी बॉडी में भी कंडक्शन होते हैं, इसी तरह हमारे बॉडी में भी कंडक्शन होते हैं। अब अगर ऐसा सोचो कि हमारी अगर बॉडी की हीट ये नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट होती रहती है, ओके, अब ठंडी के दिनों में टेम्परेचर सडनली किधर चल जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है, 10 डिग्री 12 डिग्री 8 सेल्सियस के आसपास चला जाता है। अब यहाँ पे अगर हमारी बॉडी की अगर हीट सारी वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को मैनेज करते हुए चली गई, तो हमारी बॉडी तो ठंडी पड़ के हम बीमार पड़ जाएंगे ना, क्योंकि हमारी बॉडी को भी चलाने के लिए कोई ना कोई हीट लगती है ना। तो ये हीट ना आ जाए इसलिए हम क्या करते हैं, उलन के कपड़े पहनते हैं। उलन क्या है, बैड कंडक्टर, क्या करते हैं, बैड कंडक्टर, और वो हीट को क्या करके रखते हैं, एब्सॉर्ब करके रखते हैं। और सडन देखो कि जब भी कोई स्वेटर होता है वो डार्क कलर के ज्यादा होते हैं। डार्क कलर क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि डार्क कलर क्या करता है, जैसे ब्लैक कलर हो गया, पर्पल कलर हो गया, ये कलर क्या करते हैं, ये कलर एनर्जी को सोख के रखते हैं, मतलब कि एब्जॉर्ब करके रखते हैं। जैसे तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें सोलार एनर्जी वगैरह है, तो उसमें और अच्छे से समझ जाओगे, और उसी जगह पे तुम समर में चले जाओ, समर में तुम्हें शॉर्ट्स या तो फिर कॉटन के कपड़े या तो फिर लाइट कलर के कपड़े पहनने को दिखेंगे, है ना, पहने हुए लोग दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर एब्जॉर्ब, मतलब कि एक्सचेंज होती रहे, मतलब कि बाहर की जो नॉर्मल टेम्परेचर हीट है वो भी अंदर आए, अपनी बाहर जाए, तो ये एक्सचेंज करना चाहिए। अगर ये एक्सचेंज ना होगी तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और बाहर का टेम्परेचर तो वैसे ही बढ़ रहा है, तो भाई वो भी तबीयत तो खराब होगी। तो इसलिए हम काइंड ऑफ क्लोथ यूज करते हैं, अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप के हम कपड़े यूज करते हैं। जैसे कि वी आर प्रेफर द लाइट कलर क्लोथ इन अ समर एंड वी प्रेफर द डार्क कलर क्लोथ इन अ विंटर। अब ये इसके पीछे का रीजन होता है, क्योंकि कंडक्शन ऑफ बॉडी हीट टू द एनवायरमेंटल हीट और नेचर हीट, इनका कंडक्शन अच्छी तरह हो, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, काइंड ऑफ क्लोथ यूज करते हैं। और इसी के साथ साथ में चलो दोस्तों मैं करता हूँ मेरा यूनिट यही खत्म, मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग यूनिट के साथ में, एक नए क्यूरियस पॉइंट के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, स्टामा के जो ऐप के ऊपर भी, और एक्सेस करना है आपको ये सारी टेस्ट ऐप, हमारा ऐप के ऊपर की टेस्ट वगैरह सारी आपको एक्सेस करनी है। ओके तो चलो मिलता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और आपके कुछ दोस्त होंगे तो उसको उनको शेयर भी करना। ओके और इसके साथ साथ मैं आपको और एक बात बतानी है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलो मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।